अभी मैंने आपसे पूछा था कि आप एक ही घर में रहते हैं तो आपने कहा कि एक में भी रहते हैं और एक में नहीं भी रहते दरमियान में लोन है एक तरफ अली जफर का घर है एक तरफ हम लोग रहते हैं और आपने बड़ी पॉजिटिव चीजें मुझे है। मैं बड़ा यानी इम्प्रेस हुआ आपके इस बात है आपने कहा जी, बच्चों को स्पेस देना चाहिए और तो मैं उनको स्पेस देती हूँ इस हवाले से मैं चाहूंगा बड़ा आपका एक पॉजिटिव चीज है ये जरा मैसेज दें लोगों को लोग कहते हैं जी शादी हो गई तो अब तो हमारा बेटा वो तो जोरू का गुलाम हो गया अब तो हमारी बात नहीं सुनता और उसे हमारे सामने रहना चाहिए हमने सारी जिंदगी गुजारी है पहले ये बताएं कि आपने हेली को को अलहदा क्यों रखा हुआ है आप अपने घर के तक तो रख सकती देखिए <laughs> मतलब क्यों इट ही कुड अफोर्ड हिज ओन हाउस माशाल्लाह से उसने खुद बनाया है अपना घर ठीक है तो वो उसको आई एम हैप्पी और ये मुझे ज्यादा खुशी बल्कि ये हुई थी कि मैं कहती अपने बच्चों को कि अली तुम अब नया घर बना रहे हो हमारा एक घर तो था ही डिफेंस में ये भी हो सकता था कि हम वो रखते और अली अपना बना लेता जाके जहां उसे बनाना ठीक है ठीक है, है। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं इसको सेल करें माशाल्लाह तीन बच्चे हैं उनकी शादी चाहिए था स्पेस सबको तो हम अब घर बनाएंगे उधर इकट्ठे लेकिन अलग अलग लेकिन वो साथ साथ होंगे ठीक है ठीक है मैंने नहीं उनको कहा क्योंकि मैं इस पर बिलीव नहीं करते कि मैं फिर बच्चों को थोपूँगी नहीं तुम लोग इकट्ठे रहना चाहिए फलाना ढमकाना ये वो, वाई छुड़ाए तो मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि ये बच्चों ने ख़ुद hmm. इसको इंडोज किया और अली ने खास तौर पे कि नहीं मैंने बाहर भी जाना होता है इधर उधर बच्चे बीचे आशा के लिए हो जाएगी hmm. ये तो इसलिए हमारा इकट्ठा एंड आई आल्सो वुड लाइक टू एक्नॉलेज हिज़ वाइफ इन दैट ठीक है कि वो भी ज्यादा तो औरतें ही आपको पता घुमाती हैं है ना फिर बंदे को बात है आप सास हो के एक बहू को एक्नोलेज करें <laughs> मेरी भाई बात बड़ी है नहीं होता ना भाई तो मेरी बात सुने अगर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं यार अली हम क्या हमें अलग घर लेना चाहिए तो आपका क्या ख्याल है उसको नहीं सुनता वो करता ना कुछ ना कुछ फिर दल्को, दल्को। अगर नहीं उसकी सुनता तो फिर लड़ाई होती या फिर एक बिटर फीलिंग होती तो इसमें घर जो कहते हैं ना औरत बनाती है तो इसलिए मैं क्रेडिट उन बच्चियों को ही दूंगी जो मेरे घर में आई है ठीक है तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने खुद डिसाइड किया बनाया लेकिन उसमें फिर यही था कि उनकी इंडिपेंडेंस भी हो और हम कनेक्टेड भी हों तो अब यह है कि हमारे साथ साथ घर हैं अली की जो कि नीड्स और तरह की हैं वो और माशाला से खुद उसने बनाया है तो उसका घर है लॉन कम्बाइन है वो उसका लॉन है हम भी यूज करते हैं ठीक है और हमारा चूंकि छोटा है और उसमें सर्दियों में धूप नहीं आती तो वी ऑल सिट इन दैट लॉन ठीक है और हमारा जो पोर्शन है उसमें मेरा जो बेटा अभी मूव किया है जैन बहुत से लोग जानते नहीं कहते अच्छा अभी एक आपका एक और बेटा भी है ने ने और अली को भी हैरान होते हैं बट ही इस माशाला इन आई टी सॉफ्टवेयर कंपनी है हाँ तो वो पहले सैन फ्रांसिस्को में थे जो वो उसकी फैमिली जो है तो वो अब जो ये हमारा पोर्शन है उसका ऊपर एक पूरा इंडिपेंडेंट पोर्शन है ठीक है वो ऊपर रह रहे हैं ग्राउंड पे हम रहे ठीक ठीक पे रह रहे हैं छोटा बेटा मेरा बेसमेंट पे रह रहा है ठीक है सो दैट इज इट अब उसमें सहूलत क्या है जब हमारा दिल चाहता है हम इकट्ठे होते हैं जब हमारा दिल चाहता है हमें इकट्ठा खाना खा लेते हैं जब हमारा दिल चाहता है आओ जी लॉन में बैठ के कॉफी पी लें। जब मेरा दिल चाहता है मैंने अकेले पीनी है मैं अकेली पीती हूँ ठीक है तो देर इज नो प्रेशर ऑफ एनी वन ऑन एनी वन ठीक है ठीक है मेरी बहुओं को मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं ठीक है और मुझे उनको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा, जा रही हूँ बिल्कुल ठीक है लेकिन हम बता देते हैं फैमिली है। ग्रुप में जैसे मैंने आज बता दिया कि मैं इधर उधर जा रही हूँ या वो कहीं बता रहे सो वी आर कनेक्टेड बट वी आर नॉट ऑन ईच अद नर्वस समझ नहीं? उनकी स्पेस है और उनको स्पेस देनी चाहिए ये जो मैं माजर के साथ पहले भी एक दफा कह चुकी हूँ माओ से मेरी दरख्वास्त है कि आपने बच्चों को पाला है उस इंस्टिंक्ट के तहत जो खुदा ने डाली हुई थी कुर्बानियाँ नहीं हमने दी होती या अगर दी भी होती ना तो वो मोहब्बत की शिद्दत के हाथों दी होती हैं अगर उस वक्त मुझसे कहे ना कि मेरा बच्चा मैं आपसे ले रही हूँ कोई मुझे कहे कि मैं ले रहा हूं तो मैं उस वक्त जो भी करना चाहूंगी मैं वो करूँगी उस बच्चे को अपने पास रखने के लिए इसलिए नहीं कि मैं उस कुर्बानी दे रही हूँ इसलिए कि उसका जाना कुर्बानी है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती समझ लेकिन उसका जो हम फिर रिवॉर्ड लेने के लिए सारी जिंदगी उसको यूज करते ना जैसे कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट की है मेरा मुनाफा कितना है मेरे पास कितना बैठा है तो उसके पास कितना बैठा है नहीं। प्लीज कॉम्पिटिशन ने वो मर्द हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको उनके साथ खुश रहें उनको देख के खुश हों इंजॉय करें और जितना आप उनको लूज छोड़ते हैं ना आपकी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है अब वी आर कनेक्टेड वेरी मच तो जान का के जंगे होती है के लिए। जो बच्ची आपके घर आके आपके बेटे को सिखा रही है बकौल आपके कार में बखरा लेके दे सोचे की वो क्यूँ ये कह रही है इसलिए उसको अपनी छोटी छोटी शायद तरीके से रहने की इजाजत नहीं है क्योंकि किचन में मैं इस तरह से बर्तन रखती थी तो तुम्हारा तरीका गलत है तुम्हें भी भी उसी तरह से रखने चाहिए मैं जो कि पहले आ गई थी तो इसलिए मेरा तरीका सुपीरियर हो हो गया ऐसा नहीं है हो सकता नई बच्चियां नई चीजें सीखे हैं उनको करने तो दें कुछ बिल्कुल और दूसरी मैं ये साथ आपके प्रोग्राम का फायदा उठा ये कहना चाहूंगी बड़े होने के नाते ना ये आपका फर्ज होता है कि जो एक बच्ची आपके घर आ रही है ना बजाय पहले उससे एक्सपेक्ट करने के उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें बिल्कुल ठीक है उसके बाद वो खुद देखेगी उसको देखें कि वो किस तरह से चलती है वो भी कोई बीस पच्चीस साल अपने पीछे से अपनी रवायात अपना कल्चर अपनी फैमिली वैल्यूज लेकर आ रही है ना आपकी ही सारी तो अच्छी नहीं हो सकती बिल्कुल उसकी बिल्कुर। भी कुछ अच्छा होगा बिल्कुल तो इट इज ऑलवेज देर ब्यूटी के आप एक मिक्स कल्चर जो है ना जो वो अच्छी लेकर आई है उसको भी अडोप्ट करें जो आपकी अच्छी हैं अगर उसको अच्छी लग रही है तो लेट हर थिंक अबाउट इट ऑफ इंस्टेडिंग है जो इंडियन ड्रामा वगैरह परंपरा है है फलाना तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखें उनको भी रिलैक्स रहने दें तो फिर आप देखिए कि आपके पास भी वो बैठेंगी और आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और आप भी उन उनपे करें तो उनको भी बच्चियों को भी मैं चाहूंगी कि वो जो आपको इतने प्यार से लेकर आए हैं ना वो जाते ही वो आपके कोई दुश्मन नहीं हो जाते कि उनका टारगेट ही है कि आपको तंग करना है बिल्कुल। तो आप भी थोड़े हौसले से काम ले जिस सी क्या होता है और एक जो बैरूनी नासर है ना, खाला ही तो ये कह गई माँ को और आई तो ये बता गई <laughs> मैंने एक और ये तय किया था कि आई विल बी बफर जोन फॉर माई चिल्ड्रन मेरी बहुओं को या मेरे बच्चों को जो है ना मेरे सामने कोई नहीं कुछ कहता अच्छा और मेरा ख्याल है पीछे भी कोई नहीं कहता बिकॉज मैं नहीं उनको साथ और मेरा अगर उनके साथ कुछ हो भी तो क्या अल्लाह का शुक्र है नहीं होता तो आई वुड प्रिफर कि मैं अपने बेटे को बताने की बजाय मैं उसको बच्ची को बताऊंगी कि दिस इज वट आई बी Didn't like लाइक और वो भी मुझे बता देते हैं कि अम्मा ये आपने कहा वो कोई पर्सनल नहीं है वहीं देखने की चीज़ है। कुछ बिल्कुण, भी बिल्कुण। कुछ उन्होंने मुझे सजेस्ट करना है तो वो कर देगी मैन्यून को करना है तो वो कर देगी हमने मोहब्बत के नाम पर ना औरतों ने ना मर्दों को सैंडविच बनाया होता है मुझे तरस आता है तो अगर आपको वाकई अपने बेटे से मोहब्बत है अगर आपको वाकई अपने खामों से मुहब्बत है तो थोड़ा सा ये भी देखें कि उसका सुकून किस चीज़ में है बिल्कुल वो दोनों तरफ से सैंडविच हो रहा होता है जी तो ये इस वजह से जो है ना अल्लाह का लाख शुक्र है कि माई भाभी बेस्ट फ्रेंड्स माशा और उनके साथ मेरी कंपनी चलती है मेरी बहुओ के साथ मेरी कंपनी चलती है मेरी सिस्टर इन लॉ इज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब वो जितना मेरी जो नंद आप कह लें और देवर जो है तो उसमें ऐसा सच कोई पता नहीं है मुझे मुश्किल नहीं लगता लेकिन इतना मुश्किल है नहीं हमने छोटी चीजों को स्नोबॉल इंपैक्ट जिसे कहते हैं ना जैसे कि लड़ाई आपने देखा होगा शुरू इस चीज से हुई थी और कत्ल तक और पहुंच गई और मुझे एक दफ़ा मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी डाइवोसिस की एक लॉयर ने कहा लिखा हुआ था फैमिली कि जब हम उनकी डिटेल्स में जाते हैं ना इतनी सी बात से वो लड़ाई शुरू ही होती, होती है, है। बिल्कुल ठीक कह रही तो वो जो ईवल है ना उसको जिसके शुरू में ही उस कॉम्पल को ट्रस्ट के साथ कम्युनिकेशन के साथ उसको डिस्कस कर ले हम ना एज्यूम बहुत करते हैं तो मैंने एक और अब पहले खैर मैं खुद भी नहीं कुछ अपना एक्सप्रेस कर पाती लेकिन यह है कि जहां पर अब आपको कंफ्यूजन होना कि शायद दूसरे बंदे ने यह बात की है इसका ये मकसद होगा तो बेहतर ये कि उससे पूछ, उससे लेंगे, पूछ लेंगे आपका यही मकसद वाज इट टू ह्यूमिलेट मी और इट वाज़ अ फन और इट वाज़ इट तो खुद से हम सोच सोच के ना तो सिचुएशंस को और कम्युनिकेशन गैप जो है ना और मिसकम्यूनिकेशन उससे बहुत से इश्यूज आते हैं अभी कल ही मैं अपने बच्चियों से बात कर रही थी मैंने कहा जरा सोचो अगर पाकिस्तानी ड्रामे या इंडियन भी वो किस स्टेज पे आके चलते हैं अगर वो पार्ट बीच में से ख़त्म हो जाए ना तो आगे ड्रामा ही नहीं चलता कहती क्या मैंने कहा वो कोई हस्बैंड या वाइफ बता रही होती है कि मेरी बात तो सुनो वो कहता नहीं मैंने सुननी ही नहीं <laughs> वो कहती नहीं मैंने खुद देखा है मैंने खुद ये सुना अपने कानों से अब मैं तुम्हारी क्यों सुनूँ नतीजा ये होता है गलत फहमियों का अब बाहर बनाते हैं और उसके बाद स्टोरी हैं सो वी मस्ट लिसन टू एक्सप्लेनेशंस एंड दिल आपका वो उन पर बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा लेकिन एक दफ़ा सुन तो लेना कि वो क्या कह रहा है कोई तो प्यार मोहब्बत दें एक गुना देंगे दो गुना वापस आएगा और मैं आखिरी यही उस पर कहना चाहूँगी कि ये बेटे की मोहब्बत डिवाइड नहीं होती आपको जो बेटी साथ मिली है तो मल्टीप्लाई हो गई ना हाँ तो अगर उधर से उसकी तवज्जो कोई कम हुई है तो दूसरी भी मेरा तो ज्यादा जो ख्याल है या जो मेरी कम्युनिकेशन है वो मेरी बहू के साथ अच्छा उनको ज्यादा पता होता है कि अम्मा के साथ आजकल क्या चल रहा है अच्छा <laughs> समझ रहे हैं ना तो इसलिए वी शुड यूज़ दैट फोन अच्छा। और मेरी अम्मी ने एक दूसरा मुझे बड़ी दर्द बंदा अंदाज में मुझे कहा था कि तुम्हारी तो कोई बेटी भी नहीं है और तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है तो मुझे तो बड़ा आता है कि तुम क्या करोगे मैंने कहा माँ जी मैंने तो कभी अपने आप को इतना मजलूम नहीं समझा जितना आप मुझे बता रहे आई एम गुड विद अगर मेरी कोई बहन नहीं है तो मैं अपनी भाभी है मुझे उनके साथ अच्छी है मेरी नंद के साथ मेरी अच्छी है अगर मेरी बेटी नहीं है तो मैंने बहू के साथ अच्छी बनाई है तो इसमें क्या है जो अल्लाह ताला ने दिया है बिल्कुल उसका शुक्र अदा करें जो आपके पास अवेलेबल है उसको आप कितना अच्छा कर रहे हैं बजाय इसके कि जो नहीं है उसके पीछे के वो होती तो पता नहीं क्या होता था वो होती ठीक है।, है बेटियों की मोहब्बत और तरह की होती है जिस तरह से बहुत सेंसिटिव होती है फील करती है वो और तरह बट सो वट अल्लाह का निजाम सब कुछ सब कुछ तो नहीं मिलता ना तो जो मिला है उस पर फोकस और जो नहीं है उसको साइड पे रखें जो रोशनी नजर आ रही है उसको एंजॉय करें बस दैट्स बहुत ज़बरदस्त मैंने आपसे लास्ट पे मैसेज लेना था लेकिन मैसेज आपने खुद ही ऐड कर दिया और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ख़ास तौर पे जो भी कपल्स हैं जो भी फैमिलीज़ हैं उनको तो ये ज़रूर इस पास से सीखना चाहिए कि आपस में किस तरीके से बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आप शुक्रिया इट वॉज फन एंड इन्जॉयमेंट